तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा इंजन को हमने स्टार्ट किया और बहुत ही कम नॉइज यहाँ पे देखने को मिलेगी और वाइब्रेशन भी बहुत ही कम यहाँ पे आपको देखने को मिल पाता है इस नए इंजन के साथ। तो काफी अच्छी खासी चीज डाल दी है टाटा मोटर्स। गाइस स्वागत है कालक श्रीपी के एक और वीडियो में। ये है हमारे सामने न्यूली लॉन्च 2023 मॉडल ऑल्ट्रोज का, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट मॉडल है इसका, हम करंटली रिव्यू करने वाले हैं। अब इस टाटा ऑल्ट्रोज में एक नया फीचर और एड ऑन हो गया और इसके इंजन में भी कुछ रिफाइनमेंट को बढ़ा दी गया, उसी सारी चीज को अभी हम देखते हैं। गाइस अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड सो गाइस अगर बात करें फ्रंट लुक की, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको गाड़ी का फ्रंट का लुक दिख जाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको गाड़ी का फ्रंट का लुक दिखेगा। जैसे कि अगर बात करें फ्रंट फेसिया की, तो आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे जो इसका लाइट का शेप है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प एंड नीचे से फॉग लैम्प, और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक ग्रिल देखने को मिल जाएगी जो कि हक्सा गारियल ग्रिल आते हैं। नीचे से बड़ा सा एक छोटा सा एयर रैम देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। गाड़ी का फ्रंट फेस काफी अच्छा खासा फ्रंट फेस ही आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहीं पर अगर बात करें टायर साइज की, तो टायर साइज आप यहाँ पे देख सकते हो 16 इंच का एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको 16 इंच का टायर साइज देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं से कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको फुल्ली पियानो ब्लैक एंड विद क्रोम के साथ यहाँ पे आपको पावर फोल्डेबल मिरर देखने को मिलेगा। एंड अगर नीचे से बात करें यहाँ पे आपको, तो एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा जो कि 166 mm का यहाँ पे आपको टाटा ऑल्ट्रोज के साथ ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बेहद खूबसूरत ग्राउंड क्लियरेंस है। पर्सनली अगर लुक की, तो लुक काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है अपने इस सेगमेंट की गाड़ी में, जो कि कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं। एंड तो गाइस लेके चलते हैं एक बार गाड़ी के इंटीरियर की ओर, कि इंटीरियर किस तरह से आपको दिखता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ड्राइवर डोर, जहाँ पे आपको देखेंगे चारों पावर विंडो एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिरर, एंड साथ में यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सीट, जिसमें कि आपको ड्राइवर सीट एडजस्टेबल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एक बार बैठते हैं गाइज अंदर और अंदर से देखते हैं कि इंटीरियर में क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएंगी। एंड सो गाइज अभी हम आ चुके हैं इंटीरियर के अंदर और आप देख सकते हैं इंटीरियर जो इसका गाड़ी का इंटीरियर का ओवरव्यू है, काफी अच्छा खासा बेहद खूबसूरत ओवरव्यू निकल के आ रहा है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पे साथ में आपको क्रूज कंट्रोल और यहाँ पे आपको स्टीयरिंग ऑटोमेट कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कि नॉर्मल एनालॉग यहाँ पे आपको देखने को मिल पाता है। एंड कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट और फॉग लैंप एंड आइडल स्टॉप स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको रियर पार्किंग कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और वर्ड 3 वर्ड के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर पर्सनली बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो गाइज इंटीरियर अपने सेगमेंट में अगर हम बात कंपेरिजन की गाड़ियों की, जैसे यहाँ पे आपको कंपेरिजन में बलैनो देखने को मिल जाएगी एंड हुंडई की i20 देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे काफी कंपेरिजन में आपको फर्क निकल के देखने आएगा। क्योंकि जो ऑल्ट्रोज का डैशबोर्ड, पर्सनली मैं आपको बताऊं, उन दोनों गाड़ियों के डैशबोर्ड से काफी बेहद खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में आपको टाटा ऑल्ट्रोज की बैजिंग एंड यहाँ पे आपको एसी के कुछ कंट्रोल्स कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 12 वोल्ट का चार्ज और यूएसबी ऑक्स के साथ, और साथ में आप ग्लव बॉक्स देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको पता होगा गाइस टाटा मोटर्स की कोई भी गाड़ी में ना ग्लव बॉक्स आपको छोटा देखने को मिलेगा ही नहीं, काफी बड़ा और खूबसूरत ग्लव बॉक्स देखने को मिल पाए। इस तरह से ये वाली लेयर देख रहे हैं ना गाइस, काफी मतलब फील प्रीमियम फील आता है निकल के। अगर इस प्रीमियम हैचबैक की आप बात करोगे, तो डैशबोर्ड पर्सनली काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा सेंटर कंसोल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इको और सिटी मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल हैंडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल पाएगा। एंड कुछ इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक माइक देखने को मिल जाएगा, गूगल होल्डर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एंड एलईडी लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और कम्बल काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिल पाएगी। तो गाइस एक बार लेके चलते हैं गाड़ी के रियर स्पेस की ओर, की रियर में क्या कैबिन स्पेस आपको देखने को मिल पाता है। एंड सो गाइज अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के पीछे, और अब पीछे का आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से सीटिंग कंफर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको थाई सपोर्ट, जो कि काफी अच्छी खासी थाई सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। और पीछे से यहाँ पे आपको रियर एसी बैंड का ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स ने गाइज अपनी गाड़ियों में काफी अच्छा खासा ध्यान रख रखा है सारी चीजों का। और यहाँ से अगर दिखाऊं गाड़ी का पूरा इंटीरियर का ओवरव्यू, तो आप देख सकते हैं बैक का इंटीरियर का ओवरव्यू आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख पाएंगे। गाइज यहाँ पे आपको एक देख रहे होंगे आप नीचे से, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइनिंग जो आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको अमेजन लाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि डैशबोर्ड में और चार चांद लगा देता है। काफी अच्छा खासा आपको डैशबोर्ड देखने को
मिल पाएगा, मतलब फील आता है कि हाँ यार डैशबोर्ड है। तो गाइस कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ कैबिन स्पेस यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल पाएगा। एक बार लेके चलते हैं गाड़ी के रियर लुक की ओर कि रियर लुक कैसा देखने को मिल पाता है 2023 मॉडल के साथ। एंड गाइस सो कुछ अगर बात की जाए गाड़ी की लेंथ विथ हाइट की, तो यहाँ पे आपको 3990 mm की लेंथ देखने को मिलेगी, 1755 mm की विड्थ, और वहीं पे 1523 mm की हाइट देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी अच्छी खासी हाइट आपको देखने को मिलती है। एंड रियर लुक से आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको लाइट का डिजाइन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बेबी स्पॉइलर और यहाँ पे हाइमर 10 lm के साथ डिफॉगर एंड वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको टाटा अल्ट्रोस की बैजिंग है, पीछे से आपको रियर पार्किंग सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी को ड्राइवर साइड प्रोफाइल। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 35 लीटर का यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड सो गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेस, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं गाड़ी का बूट स्पेस पार्सल ट्रे के साथ। यहाँ पे आपको 350 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 366 लीटर के आसपास यहाँ पे आपको बूट स्पेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज अगर बात करें गाड़ी के माइलेज की, तो यहाँ पे आपको 23.03 KMPL का माइलेज यहाँ पे टाटा मोटर्स ने ARI सर्टिफाइड क्लेम कर रखा है डीजल के साथ। और वहीं पे अगर पेट्रोल की बात करें, तो यहाँ पे पेट्रोल में 19 का माइलेज क्लेम कर रखा है पेट्रोल के साथ। एंड सो गाइज अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1200 cc इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलेगा। सो गाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गाड़ी का इंजन, जो कि 1200 cc इंजन के साथ 6 PS की पावर जनरेट करता है 113 Nm के टॉर्क में। तो गाइज कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो 2023 मॉडल का इंजन का जो रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया गया, कुछ इस तरह से रिप्लेसमेंट किया गया, ताकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉइस का वो देखने को मिलेगा, बहुत कम नॉइस देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑयल फिल्टर और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर फिल्टर में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे रिप्लेसमेंट में कर दिया गया है। गाइज अगर वीडियो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को करते हैं लाइक, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।